करारा मैनू पटिया तेरे नी करारा मैनू पटिया दस मैं कि प्यार विचों खटिया तेरे नी करारा मैनू पटिया दस मैं कि प्यार विचों खटिया तेरे नी करारा मैनू। गुड मॉर्निंग ते वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी वन। माई नेम इज़ ध्रुव। दिस इज़ माई चैनल नॉर्थ स्टार, माई व्लॉग चैनल, माई व्लॉग लाइफ, माई डेली लाइफ। एंड आज का ये अपडेट है, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज कि क्या आप मेरे कॉन्टेंट से रिलेट कर पा रहे हो। जैसे मैं लास्ट एक 15 अगस्त की वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने एक इंस्टॉलेशन वीडियो डाली दैट इंटरकॉम ऑन माई हेलमेट। तो कौन मेरे ब्लॉग्स डेली देख रहा है, डेली नहीं देख रहा, प्लीज़ एक कमेंट छोड़ कर जाओ ताकि मैं रिलेट भी कर पाऊँ एंड मैं कनेक्ट भी कर पाऊँ। एंड साथ ही साथ ये भी बोल दो, बता दो कि क्या नया किया जाए जिससे आपको फन आए, क्योंकि हम तो यहाँ पर आपको इंटरटेन करने के लिए बैठे हुए हैं। आज का ये प्लान है दैट मेरी बाइक के अंदर मेजर मॉडिफिकेशन, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप जो ना बहुत सही होने वाली है, जिसके चक्कर में मुझे पूरा बाइक का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि टॉप बॉक्स लगेगा, पीछे बैग्स आएंगे, पीछे का सब कुछ आएगा। आज मेजरली ना मैं एक तो हैंडल चेंज करवाऊंगा, दूसरा आई विल बी इंस्टॉलिंग द रियर लेग गार्ड्स बिकॉज दिस टाइम द बाइक्स वेट वुड बी एक्सट्रीम, तो आई विल बी गोइंग फॉर दैट। थर्ड थिंग आई डोंट नो बट लेट्स ट्राई, जो भी समझ आता है वो कर लेंगे। बाकी चलते हैं आज के दिन की तरफ। दो चीजें, दो मेन चीजें लेके चलते, तीन टॉप रैक विद टॉप बॉक्स, रेयर लेग गार्ड। चेक आउट ऑल द वीडियोस इन द आई बटन, दोज आर वेरी रेलेवेंट, वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, बट आई एम नॉट सेइंग। आप जज करने वाले हो, बताना कैसी लगी आपको। मैं यहाँ पर ना एक पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ जो इस बाइक पर लग रही है, अगर आपको किसी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, पहली बात तो कमेंट कर दो, दूसरी बात मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जाकर चेक करो, इन सबके डेडिकेटेड वीडियो मैं वहाँ डालूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सबको नहीं पसंद ये सारी चीज़ें, तो इसका अलग से चैनल है, वहाँ जाकर जरूर चेकआउट करना। बाकी जैसे मैं तो हेलमेट उतार देना था, फिटिंग हो रही है तो भाई हेलमेट पहन के खड़ा हुआ है, हेलमेट पहन के खड़े होंगे तो शूट कर मेरे को। इसकी बाइक हेरी, अपनी बाइक हेरी। ओ भाई अबे मेरा नहीं, इसका भाई सामान का यार, तू पागल है यार, रुकता थोड़ा। सो गाइस यहाँ से हमने नट वगैरह खोल दिए सारे एंड इस साइड अपनी फिटिंग होने वाली है फॉर द फ्रेम। फ्रेम किस चीज़ का? फ्रेम है हमारा जो टॉप बॉक्स संभालेगा। ये मैंने बीच में उतार दिया था, कल बहुत मुश्किल से फिट किया। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, अगर पेपर और जल्दी बोला तो प्लान कैंसिल, अकेले भगे यहाँ से। इससे टाइट कराया था भाई, and finally the rack is here, finally the rack is here after and such a long time. aise lagegi andar, aise jayegi after such a long time it is back. oh bhai kya lag rahi hai bike lambi thi, abhi pehle fit kar, hai ruk ja yaar, aur aage hoga kar, ab ye puri tarah andar hi nahi gaya। फाइनली द रैक इज इंस्टॉल्ड, मौसम बहुत अच्छा हो गया, देखो बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं ऊपर। भाई मशक्कत कर रहा हूं, गुप्ता को आज पता चल गया कि टूरिंग सेटअप बेटा आसान होता नहीं है। क्या मैं कहा, गुप्ता को पता चल जाना चाहिए कि टूरिंग सेटअप बेटा आसान नहीं होता। बकवास कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा, ये पागल था जैसे हेलमेट पहन के खड़ा हुआ, पता कोई बात है ऐसी। कमेंट कर दो यार इसके बारे में थोड़ी, चल भाई चल तारीफा कर दो इसकी थोड़ी, साले बहुत देर लगाता है। मूविंग टुवर्ड्स बिलाल शॉप, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दैट या तो कैमरा इज रोलिंग, टॉप बॉक्स लग चुका है, गुप्ता इज रेडी, आई एम रेडी, और बाइक लोड होने का हमें वेट नहीं हो रहा है, और हैंडल लगेगा आज, हमें देख लो काम क्या क्या है। ओए होए 14 आवर टोटल भाई, टोटल टोटल आ जा और क्या है ना, अबे यूवी प्रोटेक्टेड है। हाँ भाई गुप्ता, मौसम हो रहा है बढ़िया। जब मैं तेरे को गुप्ता गुप्ता बोलता हूँ ना तो लोगों को लगता है कि हम, मैं तेरे को गुप्ता गुप्ता बोलता हूँ, समझ रहा है। क्या जाएगा लेग गार्ड, अगर रेयर लेग गार्ड लग गया तो वेल एंड गुड है,
नहीं लगा तो दिक्कत है यार, थोड़ा सा ना चाहिए था कि हाँ लग जाए ऐसा स्टांस, एक थोड़ा सा चाहिए था। ओके, वी आर अगेन एट जीनत बिलाल भाई की शॉप पर, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन के हाथ में दे देता हूँ भैया कर दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, एक हफ्ता बचा हुआ है और मेरी वीडियोस बिजनेस ये वो 50 चीज़ें इतने सारे काम है भाई, गिनती के पास आओ ना तो गिनने ही नहीं जाते इतने काम है, इसलिए मैंने दे दिया, मतलब आप कर दीजिए और आपको जो है वो वीडियो टाइम पर मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। इसका हैंडल बार मेन चेंज हो रहा है, सेकेंडरी में फॉगलाइट लाए हैं, उसके क्लैंप लगा के फॉगलाइट लगा रहे हैं, वायरिंग ऑलरेडी हो रखी है। तीसरा इसका रेयर लेग गार्ड लगा कर देखेंगे, अगर लगता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आगे वाले फिर भी लगा हुआ। और एक काम और कर देना, इसके आगे वाले जो लेग गार्ड है ना इसके अंदर ना सिर्फ नट लगे, वॉशर नहीं लगी हुई। ठीक है, वॉशर लगवा देना, कार्बन फाइबर बाद में करा लूँगा, बाद में करा लो क्योंकि उसमें से काम के लिए करोड़ रुपये जाना भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। ये मेरा एक सरप्राइज था सबके लिए कि मैंने बागबस्टर्स भी फिट करवाए हैं, दीज आर नॉट द ओरिजिनल वन, दीज आर द फेक रेप्लिका वंस, जो हाई कॉपी मान सकते हो, आई डोंट नो, देखा देखी में लगे, बिल्कुल ये शिवम की वजह से लगे हैं मेरी बाइक में। मैं कहा चल वो ले रहा था, मैंने भी एक ले लिए, अब ले लिए तो ले लिए, लगवा भी लिए और साथ ही साथ अच्छे लग रहे हैं मेरे को। ये जो चीज़ है ना डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर अच्छे नहीं लगते तो फिर मैं उतार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिटिंग्स जो है वो काफ़ी जेन्युइन हुई है, काफ़ी ओईएम हुई है फिटिंग हुई भाई, डन भाई डन, एकदम सही लग रहा है, मज़ेदार। क्या लगाना है? हाँ फॉगलेट्स लगी, वाह जबरदस्त। कैसे हैं? बहुत मस्त, बढ़िया है, बहुत देखने में क्वालिटी। एक बार स्टॉक वाले भी दिखाना कि दिखते कैसे हैं ये। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये डिस्पैच देखे थे ना, ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि भाई क्यों ही ले रहे हैं, फिर जब सामने वाले ने स्पॉन्सर कर ही दिया तो हमने खेल दिया। स्पॉन्सर ये तरीके से मान ले कि थोड़ा हो गया यार, बातचीत होगी वहाँ पे, तो एक बार और हो जाएगा मेरी बाइक के लिए। हजार रुपए का वो है सेट है, मुझे नहीं पता मेरे लिए फ्री आएंगे, तेरे को सब फ्री चाहिए। हाँ भाई सब फ्री एकदम। अब देखते हैं कि ब्रेकिंग कैसी होती है, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ टायर भी डन 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 कर दें एक बार में भाई, तू जिंदगी खराब कर दे मेरी तू बाइक के पीछे। हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे वो भी करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे से बड़े हैं मेरे वाले जो है, नहीं सेम है, सेम ही है। ओए क्या कर रहा है, क्या सीन है? ओए भाई मार मत बस भाई, वैसे कमर में दर्द हुआ पड़ा है। डेडिकेटेड शॉट्स है ना वो मैं आपको घर जाकर एक बार दिखाऊंगा, पर उससे पहले ये बता दूं कि दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई तो कमेंट करके बताओ, नहीं पसंद आई तो भी कमेंट करके बताओ प्लीज़। आई लव यू लियो। एक दो एडजस्टमेंट्स करनी है, घर जा ही करूँगा वो, ठीक है चलो बाकी टायर लगवाने चलते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज़ करनी बाकी है, जो है एक दो पार्ट कलेक्ट करने हैं मेरे को, बाकी हैंडल देखो कुछ ऐसा वाइड लॉक हो गया टॉपबॉक्स। एंड मैं एक सच बात बताऊं, इंडिया के अंदर मुझे ये सिर्फ एक ही बाइक लगती है जिसने ऐसा टॉपबॉक्स लगाया हुआ है, और एक ही बाइक लग रही है जिसके अंदर ऐसा हैंडल लगा है, ऐसा बागबस्टर लगा है इस समय, एक साथ बता रहा हूँ एक साथ, ठीक है। ये लाइट्स हैं और ये पार्किंग लाइट्स हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम द फॉग लाइट्स आर देयर। इन सब के इंडिविजुअल रिव्यू आपको मिलेंगे मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैं डेडिकेटेडली एक फुल फ्लेज्ड वीडियो एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, सो वो देख लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि टायर का जो प्लान है वो आज चौपड़ हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ओह द बाइक इज फकिंग लोडेड भाई, हैंडल लग चुका है, हैंडल के साथ कितनी डिफरेंट वाइब आ रही है ना। वाओ व्हाट अ फील यार, व्हाट अ फील, कंफर्टेबल एज फक मैन। बस ख़राब रोड से ना मुझे बहुत आराम से लेनी पड़ी, जैसे गाड़ी के अंदर हम एलॉयज लगवाते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी हम लगाते हैं टॉप बॉक्स एंड दीज डेलिकेट थिंग्स। आई लव यू सुजुकी, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस हायाबुसा थिंग मैन। और पेट्रोल की लाइट जल चुकी है थोड़ा यार, हैंडल ऐसा लग रहा है जैसे क्या चला रहा हूँ, जहाज सा
समझ नहीं आ रहा एकदम से। नहीं नहीं अभी तो मैं कुछ वीडियोज वगैरह शूट कर रहा था जो सेटअप किया है अभी मैंने। क्या पागल लग रहे हैं यार, वाह।